नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। में हूं आपके साथ राजेश गरवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। खिलाड़ियों के लिए शासन शहर गांव गांव में खेल स्टेडियम बनाए हुए हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर मैदान मिलने के साथ खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वही एक गाँव में शासन प्रशासन ने खेतों के बीचों बीच खेल मैदान बनाया हुआ है, लेकिन रास्ता बनाना भूल गए, लिहाजा मैदान तक जाने के लिए रास्ते नहीं होने से स्टेडियम तक नहीं जा पा रहे हैं। दरअसल धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर बेर गांव है, जहां 2015-16 में 51 लाख की लागत से एक मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था। स्टेडियम को शासन प्रशासन खेत के बीचों बीच बना दिया, लेकिन रास्ता बनाना भूल गए। इन बीते 9-10 सालों में कई सरपंच बदल गए, जिला के कई कलेक्टर बदल गए, कई अधिकारी बदल गए। वर्तमान में स्थिति ये है कि स्टेडियम में उपद्रवी लोगों का जमघट लगा रहता है। मिनी स्टेडियम बने गए हैं बेलर गांव में, जो कि हम मतलब बहुत दूर पड़ते और वहां जाए पर ना साधन भी नहीं है और रास्ता भी खराब है। पूरा खेत वेत लगाए हैं, वहां जाए पर नहीं बने। खेत के बीच में मिनी स्टेडियम ला बनाए गए हैं, जेकर वजह से हमन वहां जा नहीं पान। हमारे बेलर गांव में 2015-16 में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया था, तो खिलाड़ियों की एक आस थी कि अब हम वहां पे खेल सकेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति में प्रशासन और शासन की नज़रअंदाजी के कारण वहां पे असामाजिक तत्वों का स्थान बन चुका है और खिलाड़ी के लिए आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे इस पूरे बेलर गांव में, जो कि अभी वर्तमान में तहसील बन चुका है, हमारे पास एक भी मैदान नहीं है। कभी भी खेल कराने के लिए हमको कभी खेतों में मैदान बनाना पड़ता है, कहीं और बनाना पड़ता है। हमारे बेलर गांव में एक छोटा सा मिनी स्टेडियम बना है, उसमें खेतों के बीच में बन गया है, ताकि उसमें आने जाने के लिए रास्ता का निर्माण नहीं किया गया और वहाँ असामाजिक तत्व लोग बन गया, जिससे हमारे खिलाड़ियों को बहुत परेशानी हो रही है। और मैं शासन से यही अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ रास्ता बनाने का कष्ट करेंगे। बिल्कुल, ग्राम पंचायत से चेक करवा लिया जाएगा और नजदीक के स्कूल में जहाँ पे भी पीटीआई होंगे, उनसे टाई अप करके मिनी स्टेडियम को खेल के लिए उपयोग में लिया जाएगा।